इस वीडियो में आपको हेमा मालिनी जी का गन फायर करने के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेमा मालिनी जी भी लोकसभा इलेक्शंस में इलेक्शंस लड़ रही थी। हेमा मालिनी जी ने जहां अपनी प्री इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छे से चलाई, वहीं उनको उसका रिजल्ट भी मिल गया और वो ये इलेक्शंस जीत गई। जीतने की खुशी में हेमा मालिनी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हेमा मालिनी जी अपनी जीत की खुशी एक फायर करके मना रही हैं। हेमा मालिनी जी के हाथ में गन देखी जा सकती है और वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि हेमा मालिनी जी जीत की खुशी में हवाई फायरिंग करती हैं और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करती हैं। जहां हेमा मालिनी जी की इस वीडियो को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं, वहीं उनकी इस जीत की खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट करने पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हो गए हैं। नेटिजन्स का कहना है कि अगर इलेक्शन जीतने की खुशी इस तरह से सेलिब्रेट करनी थी तो हेमा जी को जीतना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक गलत अमल है और इस तरह से बुलेट किसी को भी लग सकती है और किसी का भी नुकसान हो सकता है। हेमा मालिनी जी की इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं और नेटिजन्स को उनकी ये सेलिब्रेशन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। उनका कहना था कि अगर आम जनता ऐसा कुछ करे तो उसे फ़ौरन से पुलिस पकड़ लेती है या फिर कोई वार्निंग दी जाती है। हेमा मालिनी जी अब तो जीत चुकी हैं तो उन्हें कौन सी पुलिस ने पकड़ना है और उन्हें कैसी वार्निंग मिलनी है? क्या आप नेटिजन्स की इस बात से सहमत हैं कि हेमा मालिनी जी को अपनी सेलिब्रेशन इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उन्होंने जो किया ठीक किया? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।